हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं? आप सब अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए आज मैं किस चीज़ का रेसिपी लेकर आई हूँ, तो देखिएगा पूरा। आज मैं खिचड़ी का रेसिपी लेकर आई हूँ। ये 15 से 20 मिनट में बन जाता है, बहुत टेस्टी और बहुत इजी है बनाने में। तो देखिए ये खिचड़ियों में क्या क्या मतलब मिक्स करके बनाती हूँ, किस किस दाल को इसको मिक्स करूँगी। तो मसूर दाल ले लिए हैं, चना दाल ले लिए हैं, उड़द दाल है और चावल है, और मटर भी ले लिए हैं, हरा मटर, और प्याज है, 2 प्याज है, गोभी है, थोड़ा सा छोटा छोटा पीस में काट लिए हैं। और ये चावल दाल सबको धो लेते हैं पहले। ये खिचड़ी बहुत टेस्टी और बहुत क्विकली बन जाता है। तो चावल दे दिए, चना दाल इसमें डाल दिए और मसूर दाल दे दिए हैं, और सब देकर उड़द दाल सब देकर धो दिए। अच्छी तरह से धोकर कुकर में पानी दे दिए थे, जितना इसमें पानी पड़ सकता है उतना ही दिए हैं पानी। और नमक दे देते हैं टेस्ट अकॉर्डिंग, 3 स्पून दिए हैं इसमें नमक, और हल्दी दे दिए 2 टेबल स्पून, और गर्म मसाला दे दिए 1/2 टेबल स्पून, और लौंग दे दिए हैं 5 या 6, और 1 चम्मच घी दे दिए हैं। और ये सबको मिक्स करके बंद कर देते हैं। इसको 2 सीटी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। और इधर वो 2 सीटी उसमें लग गया है खिचड़ी में, और इसके तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। उसमें तड़का लगाना है, तेल दे दिए, इसमें जीरा डाल दिए हैं और घी भी डाल दिए थे, और इसमें प्याज डाल दिए हैं, प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हुआ है, उसके बाद गोभी डाल दिए हैं। ये दोनों मिक्स करके इसको पहले भून लेना है, और इसके बाद मटर देते हैं, फिर मटर भी भून लेना है, सॉफ्ट हो जाएगा। इसको 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे मीडियम फ्लेम पर। ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है, बहुत टेस्टी। इसमें थोड़ा सा हल्दी दे दिए हैं, थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर दे दिए हैं, और इधर देखिए इसके चिप्स तल लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक भी दिए थे उस टाइम भूनने में। इधर चिप्स तल के रेडी कर लेते हैं, खिचड़ी पर खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये 2-3 तरह का है, ये रेडीमेड है, वो ये घर का बना हुआ है, चावल का जो बना हुआ रहता है। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी दे दिए थे, जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून दिए थे। खिचड़ी में तो पहले सारा चीज़ दे ही दिए थे, और तड़का लगाने में ये सब दे दिए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, खिचड़ी बन के रेडी हो गया है। ये टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो देखिए खिचड़ी बन के रेडी हो गया। खिचड़ी पर घी दे दिए है और दही है, और ये सारे चिप्स है। तो बन के रेडी हो गया आज का रेसिपी। आप सबको कैसा लगा फ्रेंड, तो बताइएगा। आज का रेसिपी अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।